तो गाइस आज की इस वीडियो में देखेंगे इस ऑटोमेटिक वॉच को। तो ये एक रेप्लिका है रोलेक्स की। तो इसे जो चालू करने के लिए इस क्राउन को ऊपर की साइड घुमाना पड़ता है इस टाइप से, जिससे ये जो मेन स्प्रिंग है वो वाइंड होती है यहाँ पे, और फिर बैलेंस व्हील में पावर जाती है जिससे कांटा चलता है, और ये आपके रिस्ट की मूवमेंट से इस रोटर से भी चलेगी। इसमें आपको सी थ्रू बैक और साथ में हार्डनेस ग्लास मिलता है, जो कि सेगो की घड़ियों में भी होता है। देखो ये पूरा स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। पीछे की साइड भी ये स्टेनलेस स्टील नहीं है, ये ब्रास है पूरा। बैक इसका स्टेनलेस स्टील का, बाकी सब ब्रास का है, अंदर सब ब्रास है। ये भी पूरा ब्रास का, ये कोटिंग की गई है बस। अंदर आपको लिखा मिल जाएगा ऑटोमेटिक। इस टाइप का जेन्युइन लेदर का स्ट्रैप है 22 mm का, और ये घूमा के खुलता है वाला बैग। नॉर्मल ऐसे पॉप अप नहीं होता, ये ऐसे घुमा के खोलना पड़ता है। ये बैलेंस व्हील है, ये रोटर है, और ये मेन स्प्रिंग है ये। और अगर हम इसका क्राउन बाहर निकालना है तो उसके लिए जो पॉइंट है वो ये वाला है, इसको दबा के हम क्राउन निकाल सकते हैं। इसको दबा के घड़ी रिस्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये हमें टाइम स्टॉप हो जाएगी और ये चलने बंद हो जाएंगे सब मशीन। फिर जब तक आप इसे खोलोगे नहीं तब तक ये सही नहीं होगी। अगर यहाँ पे पिन डाल के इसको दबा दिया तो गैप में, इस वाले गैप में, इन गैप में कुछ नहीं है। इसमें आपको 21 ज्वेल्स देखने को मिलेंगे। तीन तो ये रहे, एक हीरा और देखो मैं दिखाता हूँ, एक दो तीन चार पांच, देखो एक हीरा, ये हीरा की अंदर की साइड है, तीन ये रहे, कितने हो गए पांच। और देखो एक यहाँ से दिख रहा है, छह और अंदर भी होंगे वो भी, तो अभी तो मैं छह दिखे, अभी अंदर भी होंगे कितने ही तो बतेरे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बाय। और जाने से पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।